नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज। बालाघाट जिले के हट्टा थाना क्षेत्र से लगभग 150 नग गोवंश और गढ़ी थाना क्षेत्र से 49 नग गोवंश को कत्ल खाने जाने से बचाया गया, जो पुलिस प्रशासन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गौशाला वाला सिवनी के संरक्षकों के संयुक्त सहयोग से तस्करों से गोवंश को बचाया गया है। हट्टा थाना की पुलिस की सहायता से सुसवा भालवा के जंगलों में दबिश दी गई, जिसमें लगभग 150 गोवंश पैदल हाकते हुए जब्त कर लिए गए। वहीं कार्रवाई की सूचना पाकर तस्कर लगभग 300 नग गोवंश घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। बेखौफ तस्करों का यह काला कारोबार बदस्तूर जारी है। ज्ञात हो कि जिले में वारा सिवनी, तिरोड़ी, रामपायली, कटंगी, किरनारपुर, लांजी गो तस्करी का गढ़ बना हुआ है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो पुलिस के कुछ कर्मचारी की मिली भगत से इस काम को रोक पाना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि वर्तमान में पुलिस की कार्रवाई से गोवंश संरक्षक बेहद खुश नजर आए। इसके पहले भी गो तस्करी के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। वहीं जिले के सत्ता पक्ष व विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता व चुप्पी इस गोरख धंधे को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। हट्टा पुलिस की कार्रवाई के बाद गोवंश को वारा सिवनी गौशाला पहुंचाया गया। इस अभियान में हट्टा पुलिस, बालाघाट विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गोवंश संरक्षकों व वारा सिवनी गौशाला संरक्षकों का विशेष योगदान रहा। गढ़ी थाना क्षेत्र में भी कंटेनर में भरकर मवेशियों की तस्करी की जा रही है, जो कि कंटेनर में क्रूरतापूर्वक ठूस ठूस कर भरकर पैर में व गले में रस्सी से बांध कर कतलखाना ले जाया जा रहा था। जो कंटेनर गढ़ी पुलिस को मंडला बिछिया की ओर से आने की सूचना मिली, जिसे पांडुतला चेक पोस्ट के पास पकड़ा गया। कंटेनर ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया और कंडक्टर को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसने अपना नाम मोहम्मद सुलेमान, 24 वर्ष निवासी इस्लामपुरा बड़ा डिग्गी, थाना डिग्गी, तहसील मालपुरा, जिला टोक, राजस्थान बताया। वहीं ड्राइवर जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया और आरोपी सुलेमान को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया। प्रकाश चौहान की रिपोर्ट। हमारे कार्यकर्ता श्री चंद्र दमाई जी को फोन आया कि भालवा के पास एक खपराझरी गांव एरिया में लगभग 250 गौ वंश का जमावड़ा हुआ है, जिन्हें कटाने के लिए गौ हत्यारे कहीं बाहर ट्रांसफर कर रहे थे। राजा पठान, जिसमें एक मुख्य नाम आ रहा है, और अभी कल 2 बजे के बाद से हमारी पूरी टीम, विश्व हिंदू परिषद की, बजरंग दल की और वारा सुनी के गौ रक्षक ये पूरी टीम कल से लगी हुई थी, और आज उसमें हमें सफलता मिली है, जिसमें हमने 135 से 150 के आसपास, अभी 122 के आसपास यहाँ पे गाय हमारे यहाँ गौ माता उपस्थित है, यहाँ उनके खाने पीने का इंतजाम है। कल जो भी घटना हुई उसके लिए हमारी जो टीम गई थी, मैं चंद्र जी से बताऊँगा कि उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखें, ताकि लोगों को पता चले कि इस काम में कितनी मेहनत और कैसे इसको सफल बनाने के लिए सब लगे हुए हैं। के पास बैला, कटंगी और लालबरा क्षेत्र एक गौ तस्करों का बहुत बड़ा गढ़ था। लांजी बहला भी है ना इसमें? लांजी बहला। पर अब जो देखना है, कल की घटना को देख के ऐसा लगता है कि परसौड़ा क्षेत्र का हट्टा क्षेत्र उससे बड़ा गढ़ बनने की फिराक में लग रहा है। और गौ तस्करी के मामले में मेरे को लगता है कि बालाघाट जिला देश में सबसे अव्वल होगा। क्या क्या इंतजाम होना चाहिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो? शासन चाहे तो सब कुछ हो सकता है, शासन की इच्छा शक्ति पर है, और प्रशासन को चलाता नेतागण है, नेता भी कुछ नहीं चाहते इस मामले में, सब वोटों की राजनीति है। अच्छा, आज आप लोगों ने जो गाय पकड़ा उसको आज नगर से लाया, स्वागत सम्मान किया आपने, क्या क्या किया इसमें आपने? गौ पूजन किया गया, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई, जो अकालने वाले थे उन लोगों को उनका सम्मान किया गया, उनको बैठा के खाना खिलाया गया, और जो हर संभव मदद हो सकती है और रक्षा के लिए सब प्रयास करने के लिए सबने संकल्प लिया।